हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं प्रांजल। तो भाई आज हम खेले जा रहे हैं प्लेइंग वर्ल्ड कप एज विराट कोहली का पार्ट टू। भाई तो पार्ट वन में एक सेंचुरी मार दी थी, एक मैच कुछ खास अच्छा गया नहीं था, खास अच्छा गया नहीं था। तो अब पाकिस्तान के सामने कोहली भाई की फेवरेट टीम के सामने वर्ल्ड कप में ये मैच कोहली भाई के लिए कुछ खास अच्छा नहीं गया था, पर क्या हम इसे अच्छा बना सकते हैं? सीधा टॉस पे चल के पता करते हैं, क्योंकि तो इंडिया टॉस जीत चुका है एंड भाई इंडिया ने बैटिंग चुनी है, पर फॉर सम रीजन पाकिस्तान की पुरानी जर्सी थी भाई, पता नहीं क्यों। अबे रेन ऐड हो गई क्या क्रिकेट 22 में? भाई रेन कैसे आ रही है ये? पहली बॉल रोहित एंड गिल, रोहित खेल रहे हैं अभी तो, डॉट खेल लिया है, पर ये रेन कैसे है भाई क्रिकेट 22 में? ओके तो किंग कोहली की बैटिंग आ गई है, कुछ ज्यादा ही अच्छी शुरुआत मेरे भाइयों। रोहित शर्मा 66, शुभमन गिल 87, हालांकि बॉल्स थोड़ी ज्यादा लिया, पर ठीक है भाई, बहुत अच्छी शुरुआत मिली है इंडिया को, तो उसे मैक्सिमाइज करने को देखेंगे। कोहली भाई पहली बॉल खेलते हुए एंड अच्छा शॉट है, सिंगल इजी मिलने वाला है। ओके तो कोहली भाई के सामने हारिस रॉफ भाई, एंड हारिस रॉफ को भाई कोहली का बहुत खौफ है, पहली बॉल इस ओवर की एंड चौका। भाई कोहली भाई की कवर ड्राइव देखने को मिल जाए भाई तो क्या ही मजे आ जाते हैं, वो भी पहली बाउंड्री उसकी। ओके तो वैसे मैंने नोटिस नहीं करा था, पर शुभमन भाई की सेंचुरी भी हो चुकी है भाई, गजब। ये शॉट भी बहुत अच्छा है, कोहली भाई ने खेला एंड इस पे डबल आएगा। ओके तो 3-7 बना रखे हैं, या कोहली भाई स्ट्रेट में मारे या फिर थोड़ा ऑफ में मारेंगे चलेगा, इजी बहुत बढ़िया चला इंडिया, आउटफील्ड बहुत अच्छी है भाई, लिटरली बॉल तो बस स्लाइड करती जा रही है बहुत तेजी से एंड इजी चौके मिल रहे हैं भाई। आउटफील्ड बहुत अच्छी है तो इसका मतलब हमें रन भी बहुत अच्छे बनाने पड़ेंगे, तभी जाके पाकिस्तान को रोका जा पाएगा। विराट कोहली वर्सेस हारिस रॉफ, किसको किसका खौफ? रॉफ को कोहली का खौफ, और क्या भाई, एक और चौका आपकी बार पुल शॉट। ओके तो मोहम्मद नवाज एंड शुभमन गिल एक ओवर पूरा मेडन ही खेल गए भाई, गजब, किसका ओवर था ऐसा? कोई बात नहीं, नवाज की यहाँ पे पहली बॉल है, उस पे डबल इजी आने वाला है। ओ डैम भाई, ये सोचा नहीं था भाई, ये कुछ ज्यादा ही अच्छा हिट लग गया, डायरेक्ट हिट एंड शुभमन भाई सॉरी यार, सेंचुरी कर रखे थे बिना मतलब, पवेलियन वापस भेज दिया है। ओके तो शुभमन भाई का विकेट तुम्हें बिना मतलब ही फूंक दिया भाई, कोई बात नहीं, उसके बाद ऐसा चौका मिल जाएगा तो भाई चलता है। 9-20 है भाई, कोहली भाई पूरा ऐसे T20 समझ के ही खेल रहे हैं, सिंगल लेंगे अब एंड अय्यर को खेलने देंगे। ओके तो शादाब खान इज हियर भाई, 10-21 कोहली बना रखे हैं, आखिरी ओवर है शादाब का एंड पहली बॉल पे भाई ने एज अड़वा दिया, क्या क्या चल रहा है, सिंगल एज का। तो मोहम्मद नवाज एंड ऑफ साइड में भाई, फील्डर नहीं है बाहर की तरफ तो उधर मारने को देखा जा सकता है, देखा है, अच्छी टाइमिंग तो नहीं है पर ठीक ठाक है, चौके लायक है, ऑफ नहीं खेलूंगा, पर अब की बार भाई लॉफ्टेड नहीं ग्राउंडेड खेलेंगे। सच बताऊं लॉफ्टेड से ज्यादा अच्छा लगा भाई ये ग्राउंडेड शॉट दिखने में, कवर ड्राइव का इजी चौका। ओके तो हसन अली को लाया गया है विराट कोहली के सामने, देखते हैं क्या करने वाले कोहली भाई अपनी पहली बॉल पे, बच गए। ओके तो हसन अली की 3 बॉल खेली अब तक कोहली भाई ने, तीनों ही डॉट, क्या सीन चल रहा है भाई, 3 बॉल 3 डॉट कोहली भाई, ये क्या है? ये था इस चौके का प्रिपरेशन भाई, चौका चौथी बॉल पे, टू बी ऑनेस्ट अच्छी फील्ड है ये, पर हाँ ऑफ साइड में कट खेल सकता हूँ मैं, पर बॉल वैसी दी नहीं तो सिंगल ले लेंगे, डबल ही आ जाएगा। अब श्रेयस अय्यर भी निकल लिए भाई, श्रेयस अय्यर को नवाज ने आउट करा, रिजवान ने कैच पकड़ा, 17-16 बना के निकल लिए, अब आए केएल राहुल, फिलहाल तो कोहली खेलते हुए हसन अली को एंड भाई ये लीव करेंगे, बाउंसर भी उसको लीव। राहुल भाई अभी नए नए आए, एक भी बॉल खेले नहीं, तो भाई ज्यादा उन्हें प्रेशर देने का फायदा है नहीं, पर मुझे प्रेशर आ रहा है भाई, ये क्या था, ये कैसा एज था, सिंगल मिला है एज का। लास्ट बॉल हसन अली के इस अच्छे ओवर की, मात्र 2 रन आए इस ओवर से, लास्ट बॉल ओवर जितनी अच्छी नहीं, लास्ट बॉल पे आ जाएगा चौका। शाहीन शाह अफरीदी भाई आर्ग्यूएबली द बेस्ट बॉलर ऑफ द टीम, अबे एक सेकंड एक और विकेट, केएल राहुल को भी भाई नवाज नहीं चलता करती है 3 बॉल में 1 रन पे, अबे क्या चल रहा है भाई, ऐसे ही सारे जाओगे क्या? ये मैं भी जाता जाता ही रह गया। अरे भाई साहब किशन भी गया एंड उसको बोल्ड मार दिया शाहीन शाह अफरीदी में, कोई बात नहीं भाई, अब नवाज के सामने कोहली एंड कोहली भाई भी बच ही गए, चलो कोई नहीं। अरे हाफ सेंचुरी भी आ गई क्या, स्कैम वाली सेंचुरी थी ये तो। अबे एक सेकंड भाई मैं तुम्हें दिखाता हूँ इस बॉल पे हुआ क्या, मुझे पता नहीं था एज अड़ गया भाई, मुझे लगा ये सारे रन बायस के हैं, जो भी है भाई देखो क्या हुआ, एज अड़ा हमारा, ग्लव अड़ा हमारा, एज भी नहीं था, ग्लव अड़ा हमारा बस, ग्लव अड़ के आउट होने वाले थे इस बॉल पे कोहली भाई, पर बच गए रिजवान की खतरनाक कीपिंग के चलते एंड उनके पीछे बॉल गिरी एंड कोहली एंड हार्दिक क्या करेंगे, रनिंग और क्या भाई, तो 2 3 4 5 6
सात रन भाग लिए मैंने भाई, ये सोच के कि भाग लेते हैं, फिर मैं रुक गया भाई, मैं 10-15 रन ले सकता था इस बॉल पे, बट जो भी है भाई हमारा ही फायदा है, 7 रन उस बॉल पे कोहली भाई की 50 उसके साथ हो गई, तो उन 7 रनों की वजह से भाई कोहली भाई का स्ट्राइक रेट कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया है। वेल 5 रन और फ्री के लो, ये वाइड का चौका, चलो कोई बात नहीं, वाइड के साथ शुरुआत करिए, पर शाहीन अफरीदी देखते हैं आप कितना कंट्रोल कर पाते हैं इस ओवर को। पहली बॉल पे बहुत अच्छा कंट्रोल करा, सिंगल ही आएगा। 41 ओवर है पर हाँ इतना हिटिंग के लिए भी नहीं जाना है क्योंकि 5 विकेट जा चुके हैं, बस अब वही तो बताया जडेजा ही। गए कोहली भाई, सैड, ओ बच गए भाई, बच गए, स्कैम भाई, मुझे लगा ये पक्का आउट है पर ये बच गए। ओके तो भाई बाउंसर तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली, ये इन्होंने पक्का कर दिया है। वेल जो भी है, बाउंसर से मुझे फर्क नहीं पड़ता, गुड लेंथ पे चिप शॉट मारा, चौका, 6 रन आ चुके हैं इस ओवर से, और चाहिए अभी तो भाई, एंड और चाहिए तो, और मिलेंगे भी अब की बार मैक्सिमम कोहली भाई से, 6 चाहिए। ओके तो अब हारिस रॉफ आ गए भाई, उनका स्वागत कोहली भाई से किस तरीके से किया जाए सोचो जरा। वेल चौके से अच्छा क्या ही भाई, क्या ही तरीका था स्वागत करने का। वैसे भाई हो सकता है आज आपको आवाज सही नहीं आ रही हो मेरी क्योंकि आज थोड़ा भाई ऐसे जुकाम बुखार सा है मुझे, पर हाँ भाई सॉरी उसके लिए, बल कोई बात नहीं। ये बाउंसर है भाई, वाइड हो सकती है, बल दे दिया है, होनी चाहिए थी भाई, 350 तो इजीली देखना पड़ेगा इंडिया को यहाँ पे। ये शॉट अच्छा है, सीधा फील्डर के हाथ में, देखो पांड्या को स्ट्राइक देने में कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बढ़िया हिटिंग ही कर रहा है। अब मैंने स्ट्राइक क्या दी पांड्या को, पांड्या निकल लिया भाई, LBW हारिस रॉफ 13-16 बना के निकल लिए, गजब यार क्या चल रहा है ये। वेल हसन अली सामने, एंड क्या बचा हूँ मैं, इनसाइड एज लगा, पैड्स के बॉल लगी एंड स्टंप्स के ऊपर से निकल गई भाई, क्या बचा हूँ। कोहली भाई पिछली बॉल पे तो बच गए, इस बॉल पे बजा दो, एंड मान ली कोहली भाई ने बात, बढ़िया चौके के लिए मारा है पर नहीं मिल पाया चौका, सैड यार, पर ट्रिपल के लिए देखेंगे इजी, एंड ट्रिपल मिल जाएगा जडेजा आप स्ट्राइक पे। विराट कोहली वर्सेस हारिस रॉफ, अब तक थोड़ा भाई हारिस का दबदबा रहा है पर इस बॉल पे क्या, वेल इस बॉल पे भी दबदबा तो हारिस का ही रहा पर किस्मत कोहली भाई के चौका, एक चौका आ चुका है, थोड़ा कॉन्फिडेंस शायद बड़ा होगा, वेल एज का ही था तो क्या ही कॉन्फिडेंस, पर यॉर्कर डाल दिया, यॉर्कर तो ना ही डाल, हारिस भाई ऐसा ना करो चौका खाओगे सीधा। हसन अली वापस आ गए भाई ओवर करने, वेल सच बताऊं तो थोड़ा सा इकोनॉमिकली कहूंगा मैं इन्हें, वेल अब तक तो इकोनॉमिकली है पर अब खाली है सेकंड मैक्सिमम बाय किंग कोहली भाई, बहुत ही ज्यादा बढ़िया शॉट था भाई, खोद के मारा ये 6 के लिए, बहुत ही यहाँ पे अच्छी बैटिंग देखने को मिल रही है अब तक यहाँ किंग से। वेल रिजवान भाई पूरा कोहली के साथ है भाई, तीसरा कैच छोड़ा ये शायद कोहली का, 11 रन 2 बॉल पे आ चुके हैं क्योंकि एक वाइड भी है, तो तीसरी बॉल ओवर की, एंड उस पे तो बहुत ही ज्यादा बेहतर शॉट भाई, ये आगे पढ़ के छक्का मारा है, एंड डिफिकल्टी देखो, डिफिकल्टी कोई दिक्कत नहीं है, ओडीआई रियलिस्टिक एंड फिर से ओडीआई तो अपनी सेम डिफिकल्टी है, बस ये पिच कुछ ज्यादा अच्छी है बैटिंग के लिए, एंड फॉर्म भी कोहली भाई का भाई, ये बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा ही तगड़ा ओवर आया इंडिया टीम के लिए यार, बहुत तगड़ा गजब। एंड ये क्या है, ये क्या है, वेल एज नहीं था, जो भी था बच गए। ओके तो पता चला कि वो एज ही था, वेल जो भी है भाई, उसके बाद जडेजा ने ट्रिपल दिया है, लास्ट बॉल हम खेलेंगे एंड उस पे भी एज ही अड़वाएंगे, पर इस एज का चौका जाता हुआ भाई। ओके तो उस एज के चौके के साथ हम पहुंच चुके हैं 99 पे मात्र 50 गेंदों में भाई, देखते क्या होगा। वेल यॉर्कर डाली, यॉर्कर को चिप शॉट मारा ऑफ साइड में, पहुंचे हैं 100 पे चौके के साथ, 51 बॉलों में 103, 15 चौके और 3 छक्के भाई, डैम भाई रन भागे ही कोहली भाई ने आज, केवल चौके छक्के। शाहीन शाह अफरीदी भाई देखते कैसी बॉलिंग करने वाले हैं यहाँ पे, वेल यॉर्कर देने वाले काहे की अच्छी बॉलिंग है तो बहुत खराब, एंड एक और अब छक्का नहीं हो पाया, चौका ही है, कोई दिक्कत है नहीं भाई, दो बॉल मिस करके एक चौका छक्का भी मार दोगे तो भी भाई स्ट्राइक रेट अच्छा ही रहने वाला है, तो मिस चलती है, कोई दिक्कत है नहीं अभी मिस से, देखा मिस करी थी उसके बाद चौका मार दिया। जडेजा भाई ना थोड़े स्लो स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ भाई सिंगल ले लेते हैं लास्ट बॉल पे, क्योंकि 12 रन बना चुका हूँ मैं इस ओवर, मेरा स्ट्राइक रेट अच्छा है, सिंगल के लिए खेली इजी सिंगल मिल जाएगा। कोहली भाई खुद से थोड़ा निराश भाई, इफ्तिकार को 3 बॉल में मात्र 2 ही रन मार पाए हैं, वेल इस शॉट के साथ वो बदल जाएगा बिल्कुल फाइन स्वीप चौके के लिए, क्योंकि तो ऑफ साइड में जो गैप दे रखा है, गैप तो नहीं कहूंगा पर बाहर जो फील्डर नहीं है वहां मारने वाले हैं, एंड एज अड़ा लिया फिर से भाई, आज कुछ देखो बैटिंग अच्छी करी है पर एज भी कुछ ज्यादा ही अड़े है, वेल ये थोड़ा रिस्की डबल है पर आ जाएगा। ओके तो लास्ट ओवर डालने हैं 100 शकील भाई, क्या क्या बोले गए मुझे समझ नहीं आ रहा, वेल जो भी है भाई लास्ट ओवर है ये, एंड लास्ट ओवर की शुरुआत पहली बॉल पे क्या चौके के साथ, वेल ना भाई रोक लिया, ये डबल लेंगे, एक रिवर्स स्वीप के लिए देखा जा सकता है कोहली भाई से यहाँ पे, देखते हैं
बस देखा गया है बहुत अच्छी टाइमिंग हुई है चौका मिलेगा, अब तो ऑफ में वापस गैप है, उधर ही मारने वाले, चाहे से आउट हो जाए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी भाई तीन ही बॉल बची है अब तो। वेल मैंने बोला था आउट हो जाओ फर्क नहीं पड़ता, पर आउट नहीं होंगे बल्कि मारेंगे चौका। 373 पे है, लास्ट दो बॉल बची है, कहां तक ले जा पाएंगे हम ये इंडिया का स्कोर देखते हैं। ओ डैमेज अड़ा, एंड एज का सिंगल निकाल लिया, ये नहीं करना चाहिए था स्कैम। चलो कोई बात नहीं, लास्ट बॉल जडेजा खेल रहे हैं, देखते क्या होगा। ओके तो स्किप नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक ही तो बॉल बची है, देख लेते हैं जडेजा क्या करने वाला है। वेल 11 रन दे दिया मैंने इस ओवर से जो कि अच्छे ही हैं। लास्ट बॉल जडेजा डिफेंस करा भाई, वाइड थी पर फिर भी डिफेंस क्यों। चलो वाइड निकाल दी, उसके बाद देखते हैं अब जडेजा क्या करने वाला है। जडेजा प्लीज अच्छे से मार लेना, डिफेंस विफेंस नहीं यार, ऐसे नहीं करना प्लीज। ओके आगे बढ़ा जडेजा ने, छक्का जड़ा, बहुत बढ़िया फिनिश। ओके तो भाई इंडिया कंफर्टेबली जीत गए मैच, प्लेयर ऑफ द मैच किया गया जसप्रीत बुमराह को, 93 रन से हम जीते। जसप्रीत ने लिए 4 विकेट, वेल मैन ऑफ द मैच कोहली भाई को भी दिया जा सकता था। तो मैं सोच रहा हूँ भाई इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि ये एजेंसी बहुत बड़ी हो गई है। तो भाई अगले वीडियोस में देखेंगे अब क्या करना है। मैं सोच रहा हूँ भाई हम एंकर का रोल छोड़ के फुल पावर हिटिंग के लिए जाएं, जो भी अगली वीडियो पर डिपेंड करता है क्या होने वाला है। तब तक के लिए भाई लाइक ठोक देना इस वीडियो पर, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब लिए बाय।